शुक्र है रोशनी, तुम ठीक हो। कसम से अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाता। रयान प्लीज, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी बातें ना किया करें, मेरी जान निकल जाती है। और जब मेरी जान निकल गई थी, अचानक तुम्हारे इस तरह बीमार हो जाने पे मैं बहुत परेशान था रोशनी। रयान, मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अरे तुम्हें पता नहीं चला कि वो जूस ठीक नहीं था। महसूस हुआ था, मगर बड़े अब्बा ने इतना इसरार किया कि मैं उनको इनकार नहीं कर सकती थी ना। अब आइंदा तुमने अपना ख्याल रखना, ओके? I swear, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझ पे हाथ उठाया? काश हाथ बहुत पहले उठ गया होता, आज का दिन देखना तो नसीब ना होता। माफ करते अब्बा जी, मैं अपनी बेटी के प्यार में सब कुछ भूल गई थी, उससे गलती हो गई। माफी मांगनी है तो जाके रहमत से मांगो। तुम्हारे बहकावे में पता नहीं उससे क्या कुछ कह क्या मैं। मेरी मामा उस दो टके की मुलाजमा से माफी नहीं मांगेंगी अभी जान। क्यों, क्यों माफी नहीं मांगेगी? क्योंकि मेरी मामा का ये मेयार नहीं है कि वो घर के मुलाजमों से माफी मांगती फिरे। अगर तुम्हारी माँ उससे माफी नहीं मांगेगी तो फिर ये इस घर में भी नहीं रह सकती। और तुम जानती हो कि मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूं। अब्बा जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, मैं माफी मांगूंगी रहमत से। बड़े साहब, वो बुआ। क्या बात है, चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो। बड़े साहब, मैं बुआ को बुलाने गई थी तो वो जमीन पे लेटी हुई थी, उनकी तो सांस भी नहीं चल रही। अब Thank you.
माँ माँ देख देख तेरा बदसी ऊपर आया माँ 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 आगे खोल माँ माफ कर दे बड़े अब्बा बड़े अब्बा मुझे माफ कर दे मेरी मां की मैयत के सदके मुझे माफ कर दे बड़े अब्बा।